जैसे आपने तन को कथा में लाए, मन को कथा में लगाया, और जो भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य अनुसार धन दिया है, अरे उसका भी सदुपयोग करो, चालू हो जाता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने तन मन धन का सदुपयोग करो। अब संत महात्मा ने शबरी से कहा कि शबरी, सबसे पहले अगर प्रभु को पाना है तो तन मन धन से सेवा कर। बोले कैसे करूं? एक काम कर, इस आश्रम में एक रास्ता है, उस रास्ते पर रोज बुहारा कर। बुहारना कहते हैं झाड़ू लगाने को, सफाई किया कर, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहां भगवान होते हैं। अब तो प्यारे संत की वाणी पे शबरी ने विश्वास किया, अब रोज का नियम हो गया शबरी का, उस रास्ते को खूब सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, फिर फूल बिछाती थी और इंतजार करती थी। क्यों? महात्मा ने कहा है तुझसे मिलने प्रभु आएंगे। ऐसे ऐसे करते कई साल बीत गए, भगवान भी देखता है कि तुम्हारा विश्वास पक्का है या जल्दी टूट जाएगा। आपने एक बात सुनी होगी, जो भगवान की ज्यादा पूजा करता है वो ज्यादा दुखी रहता है, जो ज्यादा सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, उतना ज्यादा दुखी रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भगवान की ज्यादा पूजा नहीं करता, सेवा नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, फिर भी उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। देखा है ना आपने ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यारे, माना कि तुम सेवा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है तुमने प्रारब्ध में ऐसे पाप किए हो जिसके कारण तुम दुख भोग रहे हो। प्यारे, जब बीज बबूल के बोए हैं तो आम कहां से आएंगे? उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करने से क्या फल मिलता है? भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करने से यह फल मिलता है कि जहां तुम्हें गोली लगने वाली होगी, मेरा ठाकुर कांटों में बदल देगा। इसीलिए प्यारे, और कई जो भगवान की बिल्कुल सेवा नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी उनकी बल्ले बल्ले हैं। वो पूजा पाठ भक्ति सेवा ना करके अपना अगला जन्म खराब कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो पिछले जन्म में खूब दान पुण्य करके आए हों, खूब सेवा करके आए हों, जिसका फल उन्हें सुख के रूप में मिल रहा है। इसीलिए प्यारे, अगर भगवान ने आपको दिया है ना, तो अगला जन्म खराब मत करना, क्योंकि आज के दी हुई सेवा से तुम्हारे घर में सुख शांति होगी। अब शबरी का रोज का नियम कि रोज झाड़ू लगाए, फूल बिछाए और इंतजार करें। धीरे धीरे शबरी में बुढ़ापा आने लगा। अब भक्ति इतनी जल्दी नहीं मिलती, ध्यान देना, चार इनाम मिलते हैं तब भक्ति मिलती है। जो चार इनाम सह लेता है उसे मेरे ठाकुर की भक्ति मिलती है। और ये चार इनाम कौन कौन से हैं, ध्यान देना। सबसे पहला इनाम, लोग कहते थे शबरी पागल हो गई। हां जी बेटा, एक बिठा लो। जब तुम मंदिर में सावन में, वैसे तो तुम्हें समय मिलता नहीं मंदिर जाने का, लेकिन सावन में लगभग कई माताएं बहनें मंदिर में स्पेशल जाती हैं जल चढ़ाने के लिए। अब जल चढ़ाने गई, सबसे पहले पड़ोसी क्या कहेंगे, ओहो बड़ी भक्तानी बन रही है, आज तक तो देखा नहीं, अब लोटा लेके जा रही है, लगता है कुछ टोटका करेगी। ये सबसे पहला इनाम है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो सबके सब कहने लगे शबरी पागल हो गई, और कोई काम धाम तो है नहीं, जब देखो सुबह शाम सफाई में लगी रहती है। अब तो प्यारे दूसरा इनाम कि जगह जगह बुराइयां होनी चालू हो जाती हैं। जब तुम अच्छे काम में लगोगे ना तो बुराइयां भी मिलती हैं।
अब तुम कितनी मेहनत से भंडारे की सेवा करते हो, प्रसाद बंटवाते हो, लोग क्या कहते हैं, मुंह देख देख के प्रसाद देते हैं, अपने लिए अपने रिश्तेदारों को ज्यादा देते हैं, अपने जानकारों को ज्यादा देते, कहते सुनते हो ना, ये इनाम है, इसे घबराना मत। तीसरा, लोग बदनाम करते हैं। जो धर्म के कार्य में थोड़ा सा आगे होता है ना, कहते हैं इसका कुछ लालच होगा, इसका कुछ स्वार्थ होगा, तभी तो आगे आगे करता है, ये भी इनाम है। लेकिन जो भक्ति की राह पे चलते हैं ना प्यारे, वो किसी की बात की परवाह नहीं करते, भैया कुछ भी कहो लेकिन मेरी राह तो बस मेरे ठाकुर तक है, संसार चाहे कुछ भी कहे। यही शबरी कहती थी, कई विद्वान ब्राह्मण उस शबरी का मजाक उड़ाते थे, अरे शबरी हम तो बड़े बड़े मंत्रों से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, हमें तो भगवान दर्शन नहीं देते, और तुम्हारी झाड़ू लगाने से, तुम्हारे ये फूल बिछाने से क्या भगवान तुमसे मिलने आएंगे? लेकिन शबरी को विश्वास था आएंगे। और जब तुम्हारा विश्वास पक्का होगा तो प्यारे एक दिन ना सही, एक ना एक दिन ठाकुर तुमसे जरूर मिलने आएंगे, ध्यान रखना। अब धीरे धीरे शबरी इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी बूढ़ी हो गई, उसे दिखना भी बंद होने लगा। देखो भक्ति करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, बड़े ध्यान से सुनना, भक्ति करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? वैसे शास्त्रों में कहा जाता है बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में भक्ति दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में भक्ति पानी के समान है। बचपन में अमृत के समान क्यों बताया गया? क्योंकि बचपन में सबका दिमाग तेज होता है, एक बार सुनते हैं वो बात दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि बचपन में भगवान का रूप कहा जाता है ना बच्चों को, खेलते खेलते कई बात वो अपने आप कैच कर लेते हैं, इसीलिए भक्ति अमृत के समान कही गई है कि आप भी आओ और अपने बच्चों को भी कथा में लाओ। आजकल आप देख रहे हो बच्चे धुंधकारी बन रहे हैं घरों में, गलत तो नहीं कहा, आजकल बच्चे धुंधकारी बन रहे हैं, जब देखो मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई कहना नहीं मानते माता पिता का, पांव छूना तो बहुत दूर की बात है, इक्का दुक्का अगर छूते भी हैं तो चरणों तक तो पहुंचते नहीं, घुटनों से यादें वापस आ लेते हैं, कई माता पिता का अपमान करते हैं, क्यों? बड़े ध्यान से सुनना कि माता पिता कहते हैं अरे बच्चों तुम्हारी तो खेलने कूदने की उम्र है, कथा सुनने की तो हम बूढ़ों की उम्र है, जो कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है प्यारे, वो अपने बच्चों से दुश्मनी निकालते हैं, क्योंकि भक्ति करने की सबसे अच्छी उम्र तो बचपन की होती है। अरे खेलते खेलते 10 बात में अगर एक बात भी समझ गए तो वही बच्चे तुम्हारा जीवन संवार देंगे, बुढ़ापा सुधार देंगे। और जवानी में दूध घी के समान इसलिए है, उस समय इंसान के पास बल भी है, शक्ति भी है, धन भी है कि वो सेवा भी कर सकता है प्यारे, वो हाजिरी भी लगा सकता है, रोज आ भी सकता है, सब काम करेगा, इसलिए दूध घी के समान है। और बुढ़ापे में प्यारे ना शरीर साथ देता, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कहां दर्द, कभी 36 बीमारियां, चाह के भी हम दूर से नहीं आ सकते। लेकिन एक बात बताएं आपको कि हमारी नजर में कथा सुनने की सबसे अच्छी उम्र तो बुढ़ापा ही है, क्योंकि बचपन में जवानी में तुम्हारी आंखें बहुत तेज थी, तुम कभी इस घर में देखते थे क्या बन रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, खूब देखते थे। अब बुढ़ापे में नजर कमजोर हो गई, भगवान कहते तू कुछ मत देख, तू सिर्फ ठाकुर को देख। पहले कान थे तेज थे, अरे उसने क्या कहा बताइयो जरा, उसने क्या कहा बताइयो जरा,
इसमें ज्यादा आनंद मनाते थे, लेकिन बुढ़ापे में सुनना ही बंद हो गया। अब तो चार बात कहते हैं क्या, तो भगवान कहते तूने संसार की बहुत सुन ली, अब तू मन की बात मेरी सुन, चुपचाप बैठ के कथा सुन। अब प्यारे, पहले जोर जोर से हम सब कुछ करते थे, निंदा करते थे, किसी की बुराई करते थे, अब इतनी शक्ति नहीं कि हमसे जोर से बोला जाए। भगवान कहते चुपचाप माला लेके बैठ जा और अंतर मन से मेरा नाम ले ले, और विश्वास मानो जिस समय तुम अपने तन मन धन को भगवान की सेवा में लगा दोगे, प्यारे मेरा ठाकुर तुमसे भी मिलने आएगा। अब शबरी आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, शरीर साथ नहीं दे रहा, जब दुखों की चरम सीमा हो गई, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कोई पागल कह रहा है, कोई दीवानी कह रहा है, कोई कहता है भगवान तुझसे नहीं मिलने आएंगे, शबरी ने किसी की बात का ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्यारे, जब भगवान देखते हैं कि ये जिद्दी है, भगवान को जिद्दी भक्त बहुत पसंद है, प्रहलाद भी जिद्दी थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप सबसे कहते थे कि तुम मेरा नाम लो, लेकिन प्रहलाद किसका नाम लेते थे, नारायण का, जिसकी वजह से उसके खुद के पिता कभी पहाड़ों से नीचे गिराते थे, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते थे। क्योंकि संसार भी ऐसा है, जब तक संसार की मानोगे तुम बहुत अच्छे हो, जहां तुमने कुछ अपनी चलानी चालू कर दी, तुमसे बुरा कोई नहीं। अब शबरी को सिर्फ एक ही लगन थी कि मेरे ठाकुर मुझसे मिलने आए, मेरे गोविंद मुझसे मिलने आए। उस समय शबरी प्रभु से कहती थी कि प्रभु एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, कितनी देर लगाओगे, कब आओगे? तो क्या कहती शबरी, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 जान कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। सभी बोले आएगा मुझे अपना बनाएगा, जान कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जान कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और प्यारे शबरी कहने लगी, प्रभु अब मेरी रास्ता देख देख कर नैन थक गए हैं, दुनिया की बातें सुन सुनकर मेरे कान भी थक गए हैं, प्रभु एक बार आ जाओ, मेरी न्यास ही अपनी ही लाज बचा लो, क्योंकि संसार मुझ पे मजाक नहीं उड़ाता, वो तुम्हारा मजाक उड़ाता है। तब शबरी क्या कहती है, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, जीवन बन जाएगा जब काना आएगा, जीवन बन जाएगा जब काना आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया,
कब आएगा मेरा सावरिया। कि कन्हैया मुझे संसार से उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे को रोटी देगा, क्योंकि इंसान दुखी क्यों होता है, बेटों से उम्मीद करता है कि बुढ़ापे में मुझे बेटे रोटी खिलाएंगे, बुढ़ापे में बेटे मेरी सेवा करेंगे। क्या उम्मीद किसी की खरी उतरती है? प्यारे बड़े होके बेटे पड़ोसी बन जाते हैं, लेकिन जो मेरे ठाकुर की सेवा में लगता है, जो मेरे ठाकुर की कथा में रहता है, प्यारे बेटे आए या ना आए, अंत समय में मेरा ठाकुर जरूर आता है उसे कंधा देने के लिए, उसे सहारा देने के लिए। और जिसे मेरा ठाकुर कंधा दे, जिसे मेरा ठाकुर सहारा दे, प्यारे उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। शबरी भी कह रही है और क्या कहती है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे बल गरीब हूँ मैं कोई ना सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और प्यारे शबरी कहने लगी, प्रभु इतने भी कठोर मत बनो कि तुम्हारे भक्त का कोई मजाक उड़ाए तुम सुनते रहो, इतने भी कठोर मत बनो कि तुम्हारे भक्त का कोई अपमान करे तुम देखते रहो। शबरी अपने मन के भाव कह रही है, बनो ना कठोर थोड़ी दया से ही काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, संजू बन जाएगा, सेवक बन जाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और प्यारे जब शबरी मन के भाव ठाकुर को प्रकट कर रही है, तब प्रभु ने देखा कि इसकी चरम सीमा हो गई है दुखों की, लेकिन फिर भी जिद्दी है, इसका विश्वास नहीं डगमगाया, तो प्यारे ठाकुर को अपना नियम बदलना पड़ा। कब? जब त्रेता युग में श्री राम जी अपनी धर्म पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, जब रावण सीता का हरण करके ले गया। यहां राम जी का मन सीता सीता पुकार रहा है, और वहां पे शबरी का मन राम राम पुकार रहा है। जब शबरी के आंसू आ गए, जब दुख की चरम सीमा हुई, तो प्यारे वो शबरी की पुकार श्री राम जी के कानों तक पहुंच गई। कहते पुकार में अगर शक्ति होती है तो सर्वशक्तिमान का भी नियम बदलकर तुमसे मिलने के लिए जरूर आते हैं। कहां? सीता जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन शबरी की पुकार सुन के उन्होंने अपना नियम बदल दिया कि प्यारे वो सीता को ना ढूंढकर शबरी को ढूंढने लगे कि मेरी शबरी कहां है। और प्यारे जैसे शबरी के पास पहुंचे, तो जो शबरी का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे शबरी
हम मंत्रों से पूजा करते हैं, हमें तो भगवान मिलने नहीं आए, तुमसे क्या मिलेंगे। भगवान सबसे पहले उन्हीं ब्राह्मणों के पास गए। जैसे दरवाजा खोला, ब्राह्मण ने देखा, ओहो प्रभु हमसे मिलने आए हैं। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मैं तो अपनी शबरी से मिलने आया हूं, मुझे शबरी का पता बताओ। वहीं ब्राह्मणों का अभिमान टूट गया कि बेकार है ये मंत्र वंत्र, हमसे अच्छी तो शबरी है जो प्रभु उसका पता पूछ रहे हैं। जैसे ब्राह्मणों ने शबरी का पता बताया कि आश्रम में पूरा जीवन तुम्हारी याद में लगा दिया, इंतजार में लगा दिया, शबरी के पास प्रभु श्री राम जी जा रहे हैं, और जिस रास्ते को बुहारा करती थी, जिस रास्ते को सफाई करती थी, जिस रास्ते पर फूल बिछाती थी, आज उसी रास्ते पे प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। जैसे ही फूलों की पैरों की आहट से शबरी को एहसास हुआ कि लगता है इस रास्ते से कोई आ रहा है। क्यों? शबरी उस रास्ते से किसी को आने नहीं देती थी, यहां पर मेरे प्रभु श्री राम जी ही आएंगे। जैसे प्रभु की आहट शबरी के कानों में पहुंची, शबरी का मन प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो उठा, और क्या कहने लगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जैसे आपके बवाना गांव के भाग जाग उठे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ठाकुर जी आ जाएंगे, तो जिनको खुशी है वो हाथ उठा के कहेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। आप मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। प्यारे आपके कदम भागवत कथा में पड़ गए तो समझ लेना आपका जन्म सफल हो गया है, कि आप पे मेरे ठाकुर की कृपा हो गई है। तो आप यही कहेंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, गुरु कृपा से मेरे भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के
भाग्य आज खुली जाएगी, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, प्रेम से हरि की कथा को अपने हृदय में उतारना पड़ेगा कि प्यारे सबसे पहले जिस भागवत कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं इसका अर्थ समझ लो कि जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा पूरी समझ में आए, कि जरूरी नहीं तुम्हें 7 दिन की पूरी कथा समझ में आए, अरे कथा का एक शब्द भी अगर तुमने समझ लिया और समझा ही नहीं उसे जीवन में उतार लिया तो तुम्हें 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। कि वैसे तो कथा का कोई अंत नहीं, कहते हरि अनंता हरि कथा अनंता, लेकिन अगर एकाग्र मन से सुनोगे तो ये कथा केवल 4 अक्षर की है, अगर भाव से समझोगे ये 4 अक्षर की है। ये 4 अक्षर कौन से हैं मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, बोलो भा, थोड़ा और धीरे बोलो, लेंटर कमजोर है, बोलो भा, ग, व और आहा। सिर्फ 4 अक्षर की कथा में पूरा ठाकुर जी समाये हैं, और ये 4 अक्षर के रहस्य कौन कौन से हैं, बोलो भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। वो वाली मुक्ति नहीं कहीं समझो, जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है, कोई गारंटी नहीं है। अगर मरने के बाद मुक्ति मिलती तो प्यारे जड़ भरत को भी मुक्ति मिल जाती, क्योंकि उसका मन एक हिरण में अटका हुआ था। इसलिए जरूरी नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिले, प्यारे जीते जी भी इंसान को मुक्ति मिल सकती है, जैसे राजा परीक्षित को मिली। राजा परीक्षित को पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित रूप से होगी, क्योंकि उसे श्राप लगा था, यह कथा में बताया जाएगा, लेकिन उसने मृत्यु को मुक्ति में बदलने के लिए ये कथा सुनी, क्योंकि जो ये कथा सुनता है ना उससे मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। इसलिए राजा परीक्षित बन के कथा सुनो। तो सबसे पहले भ से भक्ति, ये आपका टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कल लिया था ना बीच बीच में कि क्या सुन रहे हो। तो सबसे पहले भाव से भक्ति क्या होती है, भक्ति जागृत कैसे होती है, कैसे पता लगे कि हम भक्त बन गए, और भक्ति किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम भक्त बन गए। कहीं आप घर से निकलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबको सुनाते हुए आओ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दीपक को बताने की जरूरत नहीं कि मैं दीपक हूं, प्यारे दीपक जलेगा तो सबको पता लगेगा कि उजाला हो गया है, दीपक जल गया है। क्या दीपक बताता है कि मैं दीपक हूं? जलेगा तो सबको पता लगेगा। ऐसे ही फूल, जब फूल आएंगे तो खुशबू सब में आएगी, सबको पता लग जाएगा कि हां फूल आ गए हैं। ऐसे ही भक्ति कि भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो तुम किसी को मत बताओ फिर भी पता लग जाए। तो ये भक्ति कैसे आए, कैसे पता लगे कि हम सच्चे भक्त बन गए? तो ध्यान देना कैसे पता लगता है, कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो ना,
कोई तुमसे पूछे कितना प्रेम करते हो, कोई नाप तोल है कि 1 किलो 2 किलो 10 किलो 100 किलो? बच्चों का प्रेम तो अनमोल है, जिसकी कोई नाप तोल कोई कीमत नहीं है। जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, सारे काम छोड़ के परिवार के लिए भागते हो ना। सुबह इंसान काम पे जाता है किसके लिए? पेट तो वो अकेला भी भर सकता है, लेकिन परिवार से प्रेम करता है, इसीलिए सुबह निकलता है रात का पता नहीं, ये प्रेम ही तो है। जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, हमेशा छुपा के रखते हो, दिखाते नहीं किसी को, तो जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे ठाकुर से भी हो जाए तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत तो हो जाएगी। ये मन से प्रेम होना चाहिए, दिखावे का प्रेम नहीं। आजकल तो लोग रीस करते हैं, ध्यान देना, पड़ोसन 8 नंबर का लड्डू गोपाल लाई है ना, तो मैं 10 नंबर का लाऊंगी, ये रीस करते हैं। तो ध्यान देना सज्जनों, कई माताएं बहनें हमारे पास भी आती हैं, बोले महाराज जी हमने लड्डू गोपाल जी को रखा है, उनकी सेवा कैसे कैसे करें? अच्छा, पहले हम आपसे पूछते हैं कि किन किन ने लड्डू गोपाल जी को रखा है? 1 2 3 4 आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के बाद ये कहना छोड़ देना कि हमने रखा हुआ है। अरे आप कौन होते हो कि आप लड्डू गोपाल जी को रखो? ये कहो लड्डू गोपाल जी ने हमें रख रखा है, कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि तीनों लोगों के नाथ को हम रखें। प्यारे ये कहो कि लड्डू गोपाल जी ने हमें रख रखा है, ठीक है? सबसे पहले तो ये बात। दूसरा, जब लड्डू गोपाल जी को अपने घर में प्रवेश करो तो एक बात बिल्कुल भूल जाओ कि ये घर मेरा है। यही कहना कि हे ठाकुर जी, अब ये घर भी तेरा है और हम भी तेरे हैं, हमारा हर कार्य तुम्हारा ही है। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि प्यारे वो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं। देखो कि उनको लगता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, इसीलिए परेशान है। अरे एक बार अपना सब कुछ गोविंद के हाथ में छोड़ के देखो कि ठाकुर मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, जो भी करने कराने वाला है मेरा गोविंद है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। तो प्यारे सबसे पहले तो आप ये विश्वास करना कि हम कुछ नहीं हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है। दूसरी बात कि कई कहते हैं महाराज इनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे सेवा करें, तो हम उनसे कहते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले हमारे कोई 2 कहता है, कोई 3 कहता है, कोई 4 कहता है, अच्छी बात है। लेकिन हम कहते हैं जितने भी बच्चे हैं ना उसमें 1 प्लस कर लेना। अगर तुम्हारे 3 हैं तो ये मत कहना हमारे 3 हैं, कहना हमारे 4 हैं। किसी के 4 हैं तो कहना कि हमारे 5 हैं, क्योंकि इसको मन से पुत्र बना लेना अगर पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। वरना जिस रूप में आप मानोगे उस रूप में आपका साथ जरूर देगा। कोई इसको बेटा मानता है, कोई इसे राखी बांधता है कि मेरा कोई भाई नहीं है पर तुम ही मेरे भाई हो। जैसे द्रौपदी ने बनाया वैसे मैं भी बना रही हूं। और कोई इसे पिता मानता है, कईयों के अंदर इसको अपने माता पिता दिखाई देते हैं। ध्यान देना कि मेरे माता पिता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जैसे मैं आपको देखती हूं आपके अंदर मुझे अपने माता पिता दिखाई देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इन्हें माता पिता समझ के सेवा करो। प्यारे समझ लेना तुम अपने माता पिता की ही सेवा कर रहे हो। ये हमने कल भी बताया था कि भगवान की पूजा करने से माता पिता नहीं मिलते, लेकिन अगर इनके अंदर भी माता पिता देख लोगे तो तुम्हें माता पिता भी दिखेंगे और भगवान भी दिखेंगे।
सच्चे मन से भगवान की सेवा करो, जिस रूप में आप ध्यान करोगे, जिस रूप में आप भजोगे, मेरा ठाकुर उसी रूप में आपका साथ देगा। तब आप देखोगे कि आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी, लेकिन विश्वास के साथ, मन के साथ, क्योंकि हां ये मेरा बेटा है, भाई है। अच्छा एक बात बताओ कि आपके बेटे के माथे पे तख्ती लगी कि वो तुम्हारा बेटा है? आपके भाई के पिता के माथे पे तख्ती लगी है, लेकिन तुमने उसे मन से अपना मान लिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है, ये मेरा भाई है। जब तुम मन से इसे भी कहो कि हां ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, तो विश्वास माना, ये भी उसी विश्वास के साथ तुम्हारा बनके तुम्हारा साथ अवश्य देगा। तो जब तुम्हें ये पता लगेगा कि संसार में मेरे इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो तुम्हारे अंदर भक्ति तो जागृत हो गई क्योंकि तुमने इसे अपना बना लिया है। अब ग से ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान कौन सा? कि जरूरी नहीं कि तुम्हें मंत्र आते हो, शास्त्र आते हो, वेदों का ज्ञान हो, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अरे शबरी को कोई मंत्र आते थे? शबरी को कोई शास्त्र आते थे? उसे एक ही ज्ञान था कि वो सरल थी। जितना सरल बन के आओगे प्यारे, उतना भगवान के नजदीक रहोगे। अब प्यारे, वो ज्ञान जो गोपियों के अंदर था, अभी कथा में बताया जाएगा कि प्यारे गोपियों की एक उंगली के इशारे पर कन्हैया नाचते थे, नाचते थे ना। अगर गोपियां कहती थी कन्हैया धूप में खड़ा हो जा, तो मजाल की वो कहीं और हो जाए, धूप में खड़े रहेंगे सारा दिन। तो ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों को जिनकी उंगली पर कन्हैया नाच रहे थे? अगर आप चाहते हो कि हमारी उंगली पर भी हमारे ठाकुर जी हर काम करें, चाहते हो ना कि ठाकुर जी हमारी भी सुने, हमारा भी कहना माने, कौन कौन मान चाहता है ये कि ठाकुर जी हमारे हर काम हमारे इशारे पर करें? अरे गोपी बनकर देख लो, गोपी के इशारे पर नाचते थे कन्हैया। क्यों नाचते थे? वो ज्ञान प्राप्त करो कि ऐसा कौन सा ज्ञान था गोपियों को, किस किस को चाहिए वो ज्ञान। आहा, देखो कितनी जल्दी हाथ उठ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज्ञान जरूर देंगे और भगवान आपके लिए भी आगे आएंगे। वो ज्ञान कौन सा है मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा? बोलो कन्हैया, थोड़ा और धीरे बोल लो, बोलो कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम सिर्फ इतना ज्ञान। कोई मंत्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई वेद नहीं, सिर्फ ये विश्वास के साथ कहती थी गोपियां कन्हैया हम तुम्हारे हैं और सिर्फ तुम हमारे हो। एक गुजराती में एक छोटा सा मुहावरा याद आया था कि मारो नथी तो काइनो नथी, कि अगर मेरा नहीं है तो किसी का नहीं है। इसीलिए कहो कि ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। इसी विश्वास के साथ तुम जब इसकी सेवा करते रहोगे ना, तो ठाकुर भी कहेगा कि चिंता मत कर, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हाँ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और फिर ठाकुर जी भी तुमसे कहेंगे क्या, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हाँ
तुम हमारी थी प्रभु जी, तुम हमारी हो, तुम हमारी ही रहोगी ओ मेरे प्रियतम। इसीलिए प्यारे, जब ये ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो हर संकट आने से पहले ठाकुर तुम्हारा साथ अवश्य देगा, जैसे द्रौपदी का साथ दिया था, जैसे शबरी का मिलने के लिए आए थे, ये अपने थे तभी तो आए थे। अब प्यारे आप देख रहे हो कलयुग में जगह जगह कन्याओं का, महिलाओं का क्या हाल हो रहा है। अभी कुछ समय पहले आपने समाचार में देखा होगा, सुना होगा कि कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ क्या हाल हुआ। उससे पहले आपने पास में शाबा डेयरी है, इसका भी सुना होगा कि एक कन्या को बेदर्दी से चक्कुओं से, पत्थर से, पैर से बुरी तरह मारा पीटा गया। उससे पहले सुना होगा आपने एक कन्या के 35 टुकड़े कर दिए। उससे पहले सुना होगा कंझावला में गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। तो आज कन्हैया क्यों नहीं आ रहे? पहले द्रौपदी की पुकार सुन के आ गए थे, आज जगह जगह कन्याओं की असमत लूटी जा रही है, आज कन्हैया क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि प्यारे पहले दुशासन अकेला था, लेकिन आज दुशासन हर गली में, हर नुक्कड़ पे, रोड पे और तो और कई घरों में भी हैं, जिसकी वजह से कन्याएं और महिलाएं ना बाहर सुरक्षित हैं ना घर में सुरक्षित हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कि पहले पूर्ण विश्वास था कि ठाकुर मेरे लिए आएगा, जैसे द्रौपदी को पूर्ण विश्वास था तो आए, लेकिन आज कलयुग में विश्वास अधूरा है। लोग क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलो कन्हैया तुम हमारे हो और हम संसार के हैं। कन्हैया तो हमारा है लेकिन हम कन्हैया के नहीं, हम तो संसार के हैं। तभी तो देखो संसार में सब एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं, घरों में सब अपने कार्य में मस्त हैं, लेकिन ठाकुर जी मिलने आए हैं, मिलने का समय भी नहीं है। क्या मतलब? हम संसार के बने बैठे हैं। अरे एक बार तुम कुछ समय के लिए, हम नहीं कहते कि तुम सन्यासी बन जाओ, हम नहीं कहते कि तुम गृहस्थी छोड़ दो, अरे कम से कम जो परमात्मा ने तुम्हें इतना समय दिया है, देखो दो चीजें तुम्हें दी हैं बिल्कुल फ्री में, लेकिन इंसान उसकी कदर नहीं करता, ध्यान देना। ये दो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला समय, दूसरा तुम्हारी श्वास। बिल्कुल फ्री में दिए भगवान ने, इसलिए इंसान इसकी कदर नहीं करता, अपने समय को व्यर्थ कामों में खर्च कर देगा। अभी मुरथल जाना हो, फट देगी गाड़ी उठाएगा चला जाएगा, कहीं शादी विवाह पार्टी में जाना हो, फट देगी चला जाएगा। लेकिन जब कथा की बारी आएगी, सत्संग की बारी आएगी, समय नहीं है। लेकिन समय की कदर कब पता चलती है प्यारे? जब उसका अंत समय आता है, जब अंत समय में, जब वेंटिलेटर पे मरीज होता है ना, उस समय एक एक सेकंड भी कीमती होता है। फिर वो चाहे कितना भी कह ले कि हे धर्मराज, क्योंकि अंत समय में धर्मराज के दर्शन होते हैं, जो भगवान का गुण गाता है, कथा में जाता है, सेवा करता है, उसे धर्मराज के दर्शन नहीं होते, उसे तो अंत समय में मेरा ठाकुर लेने के लिए आता है। और जो भगवान से अलग होने की सोचता है, संसार में जाता है, प्यारे उसे धर्मराज लेने आते हैं। अब जब अंत समय में वो वेंटिलेटर मशीन पे है और एक एक सेकंड उसका निकलता जा रहा है, तो वो धर्मराज से कहता है, महाराज मेरी सारी धन दौलत ले लो, मेरे सारे प्लॉट ले लो, मेरे सारे हीरे मोती ले लो, लेकिन मुझे एक सेकंड उधार दे दो। क्या मिलेगा? क्योंकि उस समय की कदर होती है,
कि मैंने सारी जिंदगी व्यर्थ के कामों में लगा दिया, लेकिन कुछ समय अगर मैं परमात्मा के लिए लगा देता तो आज मुझे समय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही श्वास, कि अपने श्वासों को व्यर्थ की बातों में मत जाने दो, अपने श्वासों का भी सदुपयोग करो, क्योंकि अंत समय में ये सांसें बहुत कीमती होती हैं। उस समय भगवान कहते हैं कि मेरी सारी धन दौलत ले लो, एक सांस उधार दे दो, क्या मिलेगी? इसलिए भगवान ने तुम्हें बहुत समय दिया और बहुत सांसें दी, जिसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में। इसीलिए प्यारे, समय और श्वास का सदुपयोग करके प्रभु से यही कहो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। क्या? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, सपने जय हो सपने निहारूं रूप सुनहरा, सब मेरी हारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा, नैनों की खिड़की को देखकर हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, ताले जय हो ताले रहूं तेरे चरणों में तेरा, ताले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और मेरे ठाकुर कहाँ रहते हैं? जिस घर में संत महात्मा के चरण डलते हैं। कहते संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी, जिस घर में खुशी खुशी आते हैं और जिस घर में खुशी खुशी जाते हैं,
कि आपके द्वार पे अगर संतों के चरण डलते हैं घर में, तो समझ लेना तुम्हारे तकदीर के द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते और संतों की कृपा के बिना प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसीलिए यही कहेंगे, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे यार हो तेरा इशारा, सुख भी हो सारे यार हो तेरा इशारा, हो आत्मा जय जय, हो आत्मा पर तेरा ही दे हो, आत्मा पर तेरा ही तेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा, यू बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यू बीत जाए जीवन मेरा, आयो बीत जाए जीवन मेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। कि प्यारे, कि भ से भक्ति पता चल गई, ग से ज्ञान पता चल गया। ज्ञान कैसे? कि हम तुम्हारे हैं और तुम, जब ज्ञान आ जाता है ना कि ठाकुर के सिवा कोई हमारा नहीं है, क्योंकि सच बताएं जितने भी रिश्ते हैं ना सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जिसका जितना स्वार्थ रहेगा उतना प्रेम रहेगा, जहां स्वार्थ खत्म तू कौन और मैं कौन। ये कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है, नहीं तो उदाहरण देके समझाएं, क्योंकि उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। कि एक माता पिता के कई संतान होती हैं और हर माता पिता चाहता है कि मेरे पुत्रों को कोई, बच्चों को कोई कमी ना रहे, मेरे इस बेटे का भी मकान बन जाए, मेरे इस बेटे की दुकान चल जाए, मेरे इसकी फैक्ट्री बन जाए, अरे इसके पास कुछ नहीं इसके भी व्यवस्था हो जाए। सारी जिंदगी माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, ये सच्चाई है, एक माता पिता चार बेटों को पाल लेते हैं, लेकिन कलयुग में चार बेटे कोने में चार पैर डाल देते हैं, किसी के पास समय भी नहीं कि दो घड़ी बात कर ले। और तो और, जब उस बूढ़े माता पिता की मृत्यु होती है, देखो कड़वी सच्चाई क्या है, जब उस बूढ़े माता पिता की मृत्यु होती है उसके पुराने कपड़े बहा दिए जाते हैं, बहा दिए जाते हैं ना, पुराने बिस्तर भी बहा दिए जाते हैं, लेकिन जो उस बूढ़े माता पिता के नाम मकान के कागज होते हैं वो भी बहा देते हैं ना, वो तो धोरे संभाल के रखते हैं। जो उसके पास टूम होते हैं, टूम समझते हो ना, वो भी बहा देते हैं ना, वो तो पहले ही आपस में बांट लेते हैं। तो सोचो किससे प्रेम है। प्यारे, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है आत्मा है, केवल दिखावे का रिश्ता है, और जहां ये प्राण छूटे, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हुई, तुम्हें एक घंटा भी नहीं रखते, जल्दी जल्दी ले जाओ। और प्यारे, यही कारनामा देखने के